विजयदशमी और दशहरे के मुबारकबाद देते हुए आज 9 दिन से जो नवरात्रि का कार्यक्रम था आज 10वां दिन है। आज दशहरे के अवसर पर सभी कर्नाटक राज्य और गुलबर्गा ज़िले के सभी आवाम को मैं शांति और सौहार्द और प्रेम के सद्भावना से मैं दशहरे की शुभकामनाएं देता हूं। आज जो माँ दुर्गा भवानी जो हम प्रार्थना करते हैं कि इस भाग में शांति सौहार्दते और खुशहाली के लिए और हम सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए इस भाग में आने वाले दिनों में सभी की उन्नति हो, सभी जात धर्म मिलके मनाने का ये ईद है। आज दिवाली हों दो, दशहरा हों दो, ईद हों दो, सभी धर्म मिलके मनाने का आज ये बड़ा दिन है। मैं अभी कलबुर्गी के सभी अवाम को मैं मेरे तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से अखिल भारत वीरशैव लिंगायत महासभा की ओर से सभी अवाम को मैं दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। राहुल गांधी आज अखिल भारत कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष हमारे श्री राहुल गांधी जी आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो भारत जोड़ो का पदयात्रा जो चल रहा है, सितंबर 7 तारीख को ये पदयात्रा चालू हुआ था। 3,570 किलोमीटर का ये पदयात्रा है और कर्नाटक में 22 दिन का ये पदयात्रा है, उसमें 511 किलोमीटर कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी जी इसमें चलने वाले हैं। इसका उद्देश्य इस भारत देश को जोड़ने का और जो अवाम में जो धर्म में जो लोग बट रहे हैं उनको जुड़ाने का, जो धर्म धर्म में जो जात जात में मतभेद हो रहा है आज उनको सभी दिलों को जोड़ने का काम आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। और इसके लिए मैं सभी लोगों को मैं विनंती करता हूं कि इस पद यात्रा में आप भी भाग लेके इस पद यात्रा को यशस्वी बनाने के लिए मैं विनंती करता हूं। आने वाले दिनों में 14, 15, 16 को बल्लारी में पद यात्रा होने वाला है बल्लारी ज़िले में, और 21, 22 तारीख को जो हमारे बॉर्डर जो तेलंगाना का बॉर्डर जो रायचूर में लगभग 51 किलोमीटर का पदयात्रा में कलबुर्गी की ज़िला और यादगिर ज़िला और बीदर ज़िले वाले सभी लोग उधर जुड़ने वाले हैं। इसमें तमाम हमारे लीडर्स, MLAs, सभी वर्किंग प्रेसिडेंट्स, हमारे PCC प्रेसिडेंट, हमारे सभी इस भाग के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज सभी लोग इसमें भाग ले रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ। DK सुकुमार जी, सिद्धरामैया जी, हमारे लोकल MLA कनीज फातिमा जी और हमारे जो प्रियांक खड़गे जी, अजय सिंह जी और हम, मैं सभी लोगों को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रधान कार्यदर्शी के जानिब से मैं सभी को विनती करता हूं कि सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट, सभी आम जनता भी इसमें भाग लेके लोगों के समस्या के लिए जो वहां पे जो लोकल इश्यूज है उसके बारे में भी राहुल जी सुन रहे हैं, उनके पदयात्रा में भी आप भी आके उस पदयात्रा को यशस्वी बनाने के लिए मैं विनती करता हूँ। मिलादुल नबी का क्या बोला? मिलादुल नबी का खुश उनके लिए, सभी मुसलमान लोगों को हमारे तरफ से, सभी मुसलमान भाइयों के लिए मैं मिलादुल नबी और मोहम्मद पैगंबर उम्र का जो ईद मना रहे उनको मैं हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं सभी अवामों को शांति और प्रेम की सद्भावना से और एक बार इस बड़े ईद को मैं अच्छी तरह से मनाने के लिए मैं विनती और एक बार